एवरीवन, वेलकम टू प्रियांशी बिंद्रा व्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। इसी योग के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का व्लॉग। और जैसे कि पिछले व्लॉग भी हमारे कायम रहे थे, तो ये वाला व्लॉग भी कायम रहेगा। और इसी होप के साथ आज हम आपको ले चल रहे एक नई जगह पे। वैसे जगह तो पुरानी है बट आपके लिए नई है, तो आ जाओ भाई। तो भाई जब भी सुबह के 8 बज रहे हैं और माहौल यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा है कि बिल्कुल एकदम शांत है। और ये सामने हमारा बैरियर आ गया, गेट। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, देन विल बी आउट ऑफ दिस गेट। और अभी यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है और ये पर्पस पूछते हैं कि आप बाहर क्यों जा रहे हो। तो फाइनली अब हम गेट के बाहर हैं। खुशी की लहर दौड़ रही है इस टाइम। हेलो, डॉगी भी दौड़ लगा रहा है। अब गाइज, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। जा हम कहीं भी नहीं रहे हैं यार, हम प्लांट कलेक्शन के लिए आए थे, तो सोचा कि एक व्लॉग तो बनता ही है, तो वो बना लेते हैं। साथ साथ में धूप बहुत तेज़ हो गई है अब। बाकी मैं शॉर्ट्स आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में। अभी तो सब मेरे को बुला रहे हैं आगे, तो मुझे भागना पड़ेगा। तो इस खतरनाक रस्ते के साइड में मुझे जगह मिली, तो मैं यहाँ पर बैठ गई। जैसे उनका काम ख़त्म होगा फिर हम आगे को जाएंगे। अभी आई एम वेटिंग फॉर देम। और ये कलेक्शन पे लगे हुए दोनों, मेरा अभी प्लान नहीं आया, सो आई एम फ्री। बट ये सारे काम कर रहे हैं अभी, इनको बर्ड्स मिल गए। हम आपको दिखाते हैं व्यू पीछे का, बहुत ही ज़बरदस्त है। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। इसकी सुबह सुबह बैटरी डाउन है कुत्तों को देख के। शेयर करूंगी वीडियोस पूरी फैमिली ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके, तो गाइज अब आप मिलो, ये हमारी जूनियर है और इनका नाम है कुलविंदर। कुलविंदर और ये पंजाब से। और यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है पर्सनली, ये वो क्यों क्या कर रहे हो? बर्ड्स मिल गई? बर्ड्स नहीं, निकाल रही हूँ, फ्रेश लीव्स निकाल रही हूँ आइसोलेशन के लिए। ओके, बर्ड्स मिल रहे हैं या नहीं? मिल गई हैं बट कुछ मैच्योर हो गई हैं। मैच्योर कहाँ है? अब इनको हम काम करने देते हैं और ये ऐसे ही साथ साथ में चलेगा अब हमारे। अंजलि दी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्लांट है। फाती नहीं बोलते हैं एक्चुअली, इसको बोलते हैं नेचर को एंजॉय करना, और ये एंजॉय कर रहे हैं। ये आगे हमारे फ्रंट लाइन में काम करने वाले, और ये हमको
करने वाले और ये उनका फोटो लेने वाले और ये पूरे सीन को कैप्चर करने वाले। और यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अभी तक मैंने जितने भी शॉट्स लिए ये रोड साइड पे थे और रोड साइड पे ही इंजॉय कर रहे हैं हम अभी तो नेचर को। ये पीछे देख सकते हो आप कैसे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए यहाँ पे। रोड यहाँ की अच्छी है बट कुछ देर तक, उसके बाद रोड की जो हालत है वो जो यहाँ पे आए हुए उनको पता होगा। बाकी तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे घर पे बैठ के कि कितनी खतरनाक रोड है ये। आप देखो नीचे पीछे का व्यू यार बहुत सही लग रही है फ्लावर्स वगैरह। फाइनली एक जगह मिल ही गई आखिरकार बैठने को। यहाँ एक पत्थर है उसके ऊपर बैठी हुई हूँ। और अब आप पूछोगे कि इस बैग में क्या, वो तो मैं नहीं बताऊंगी। अरे मजाक कर रही हूँ यार, इस बैग में हमने एक रिसर्च जर्नल रखा होता है, जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब हम कलेक्शन पे आए हैं तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज या हमारे प्लांट के रिलेटेड जो कंसर्न प्लांट है उसके रिलेटेड या कोई भी रैंडम चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है या इंपॉर्टेंट लगती है तो हम नोट कर लेते हैं इसमें। और इसके अलावा वाटर बॉटल व्हिच इज मस्ट, क्योंकि गर्मी भी बहुत बढ़ रही है अब तो पानी की ज़रूरत होती है। तो एक मैसेज आपको भी है कि प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और आज कल इस मौसम में काफ़ी बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं उनको, और ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, अपना मील स्किप करते हैं एंड दे डोंट कीप देमसेल्फ हाइड्रेटेड। सो ये भी एक मैसेज है कि प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें एंड खाया पिया करें, ठीक है। और इसके अलावा फोन होता है बस, इसके अलावा और क्या होगा। बाकी थोड़ा बहुत स्टेशनरी होती है हमारे पास और फाल्कन्स होते हैं, पिक्सेट वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं अपने इस बैग में। और ये धूप से बचने की निंजा टेक्निक। ये किसकी आवाज थी ये? यार छुट्टी के बाल लेके गए अंकल। हेलो, इधर देखो, इधर देखो, क्या नाम है आपका? पीहू। पीहू कौन सी क्लास में हो? दसवीं क्लास में हो। गुड बाय। अब ये एक पतला सा कच्चा सा रास्ता है, ये छोटा सा, और इस पे हम जा रहे हैं इनके प्लांट को देखने। और हमें प्लांट भी मिल गया ये। ये बच्चों कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाय कर दो। बाय। ये सारे बच्चे ना नमस्ते करके जा रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। पर और गाइस यार ये काउ शेड है, यहाँ पे काउस वगैरह रहती हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आंटी ये घर है और वो नीचे गाय का। अच्छा अच्छा, और ये घर भी है और ये कच्चे घर हैं ये मिट्टी के, पर ये ठंडे होते हैं अंदर से। हाँ, घर कच्चे मगर लोग सच्चे। तो यहाँ पे भी है एक और इधर भी है। गाइस, और हमें प्लांट के लिए एक लोकेशन बताई गई थी, उस लोकेशन पे हम पहुंच तो गए अभी, और अब देखते हैं कि ये प्लांट कहाँ पे है। ये तवा भी पड़ा है, दैट मीन्स ये अभी भी इसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए।
और ये DIY फ्लावर पॉट, और एकदम नेचुरल सा माहौल है यहाँ पे, ठंडी हवा पानी, और उसी तरीके से ये कच्चे घर और कच्चा चूल्हा यहाँ पे खाना बनाने के लिए सही है एकदम। सबसे अच्छी बात ये हुई कि शिवानी जहाँ बैठी थी रेस्ट करने के लिए, वही उसके सामने उसको उसका प्लांट मिल गया। ये तो गाइस हमारी साइड की सारी कलेक्शन हो गई है, जितनी भी जिसने भी करनी थी प्लांट कलेक्शन वो कर ली है, और अब हम वापस जाएंगे। और वो रही रोड, यहाँ से ये जो बस आ रही है और इसी रोड से हमें वापस जाना है, तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है, बट कौन जाएंगे। तेरे उस बैग में ना रैपर्स पड़े हुए, इसमें फेंक दे। कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन, इसी थीम को बरकरार रखते हुए हम अपने रैपर्स डिस्पोज कर रहे हैं डस्टबिन में। तो हम रोड देखते देखते आए थे, ये रास्ता हमें पता नहीं था, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए और हमें रोड मिल गया। और ये शख्स थक गई है, उठो अब। ये मैंने फ्रेश लीव्स ले लिए मुरैया के, और इसको मैं अब डालूंगी खाने में, कुछ बनाऊंगी जाके, अभी नहीं बनाऊंगी बस। और वहाँ सामने लिखा हुआ है जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, मतलब कि पाइपलाइंस के थ्रू पानी जाएगा घरों में। और हम उस साइड रोड की दूसरी तरफ आ गए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। अब जो भी प्लांट कलेक्शन के लिए आएगा प्लीज़ पानी वगैरह साथ में लेके आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो आपके बेहोश होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट वीक गर्मी और भी बढ़ जाएगी। तो यार मैंने कितनी बार बोल दिया गर्मी गर्मी धूप धूप, है ना, अब है तो है, क्या करना। और वो सिंगल रोड है बिल्कुल खतरनाक वाली। सो गाइस यू नो हाउ टू ठीक वाटर, आई गेट यू नो, ओके क्या देखेगा कहीं भाई, तो बता दे। ओके मिल गया सच में। और यहां पे एक्चुअली देखो ये पत्थर मिले थे और इन्होंने मुझे दिए हैं, ये आई लव टू कलेक्ट स्टोन्स, और मेरे पास वाइट स्टोन्स भी है, रेड भी है, रेड। तो गाइस ये हमारी प्लांट कलेक्शन का भी इनिशियल स्टेज चला हुआ है, मतलब वी हैड जस्ट स्टार्टेड प्लांट कलेक्शन, और इसके बाद अभी बहुत सारी लोकेशंस हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, वहां पे जाके हमें अपने अपने प्लांट्स कल्चर प्लांट्स को कलेक्ट करना है। और अभी PhD के लिए प्लांट कलेक्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बट गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:40 और हम वापस जा रहे हैं, और ऊपर जो वहाँ पे सुबह मैंने आपको बताया था कि पानी की आवाज़ आ रही है, और वो पानी अब नीचे आया है। और यहाँ से अभी अभी एक बस गई है, और मुझे लगा था आज तो मेरा गया ट्राउज़र, बट बच गया मेरा शूज़ और ट्राउज़र। ऑलमोस्ट पूरा रास्ता हमने कवर कर लिया है वापस जाने के लिए, और मुझे लग रहा है कि हमने आज 6 किलोमीटर चले हैं आज हम, और इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब तो मरने वाली हालत हो रही है, और सर भी गर्म हो गया। तो गाइज अब फाइनली चैन की सांस राहत मिली है, यूनिवर्सिटी दिख रही है, मतलब पहुंच गए हैं अब हम। अभी लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के बाद सीधे हम लैब में जाएंगे, तो आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, थक गए बहुत, और काले भी हो जाएंगे थोड़े टाइम में। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे वरना डिसलाइक कर दे। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।